अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज ईद है कतर में, तो जा रहे हैं ईद के लिए, जा रहा हूँ ईद की नमाज़ के लिए 7:30। यहाँ पर तो आपको अभी इस वक्त नज़र नहीं आएगा बिकॉज कतर में ऑलमोस्ट ऑल प्लेसेस ईद सर 5 o'clock, 5 बजे तकरीबन तमाम जगहों में, सिर्फ एक जगह है, एक मस्जिद है उधर 7:30 है, तो अभी 6:45 हो रहे हैं, तो हम निकलते हैं। मैं निकल रहा हूँ तो अभी एक और दोस्त है उसको पिक करना, उसके बाद फिर वहाँ जाएंगे 7:30 में, फिर आपको देखते हैं। देखें कोई नज़र नहीं आएगी, कोई बंदा नहीं है। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि नॉन मुस्लिम्स भी हैं, बट उसके अलावा सेकंड ये कि नॉर्मली 5 बजे होती है यहाँ पे ईद की नमाज़, तो हर बंदा जो है वो तकरीबन पढ़ के आ चुका होगा ईद की नमाज़, एक्सेप्ट बताया एक दो जगह हैं जिधर 7:30 इस तरह ईद की नमाज है, वो बेसिकली शिफ्ट वर्कर्स के लिए, तो जा रहे हैं निकल रहे, आगे देखते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके देखें, कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा आपको इस वक्त, बिकॉज बताया आपको जैसा कि ईद 5 बजे होती है नॉर्मली, इधर सब लोग पढ़ के आ चुके हैं, मैं जा रहा हूँ 7:30 बजे होती है नॉर्मली, वहाँ पर उर्दू में खुतबा होता है, तो मैक्सिमम पाकिस्तानी और इंडियंस आए हुए होते हैं जो उर्दू स्पीकिंग है, मैक्सिमम पाकिस्तानीज हैं, तो इस वजह से अभी आगे जाके एक लड़के को पिक करना, उसके बाद मैं वहाँ से निकलूँगा। शायद लेट हो रहा हूँ इस वक्त, 6:50 हो गए, 6:45 हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर ईद इसी तरह ही है, बस आप जाएंगे ईद की नमाज़ के बाद सड़कें आपको ऑलमोस्ट मतलब वीरान ही नज़र आएंगी, ट्रैफिक कुछ नहीं होगा सड़क पर, इस तरह पाकिस्तान में नॉर्मली होता है कि ईद का दिन है तो बाहर आप जाएंगे आपको रश ही मिलेगा, आप कहीं जाएंगे रोड गलियां सब भरी होती हैं बच्चों से और लोग मिलने मिलाने वाले आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, यहाँ पर इस तरह मतलब आपको बाहर कम ही नजर आएंगे कुछ। आप ये देखें, चेक करें आप, सन्नाटा सा नजर आ रहा होगा, बस इनका दुख बंद है, ये शॉप्स भी इधर बंद है, सब बंद है इस वक्त, एक हद खुली हुई है शॉप, ऑलमोस्ट बंद है। हाँ जी, बस पहुँचने वाले हैं, मैं इमरान को पिक करना है, मेरा दोस्त है, दोस्त के बाद हम जाएंगे रास अबू फंतास मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। आप ये देखें, कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल इन सन्नाटा टाइप, एक हद गाड़ी हुई आपको कहीं नजर आएगी, यहाँ भी आप इस टाइम पे आए तो रश होता है बहुत ज़्यादा गाड़ी में, क्योंकि हॉलीडेज भी हैं, तो इस वजह से लोग सोए हुए घरों में और बाकी 5 बजे नमाज पढ़ के आ गए घर में ईद की नमाज। भाई को कॉल किए मैंने, उन्होंने कट कर दिए, लगता है कि बाहर खड़े होंगे, देखते हैं, तरफ करीब ही है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं या देखते हैं। इमरान भाई जी आ गए, इमरान भाई इमरान भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। ठीक है जी, लेट तो नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल। तो इमरान भाई बताएं, यहाँ की ईद और पाकिस्तान की ईद में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस नजर आता है? इमरान भाई क्या ख्याल आते हैं आपके यहाँ की ईद? आपके ख्याल आते हैं वही है। यही है, नेक्स्ट यही है। ओके, तो नहीं, जो 5 बजे ईद की नमाज हुई है ईद उल फितर की, उसमें और जो भी हो रही है इसमें क्या डिफरेंस आपको फील होता है? यहाँ पे नॉर्मली खुतबा उर्दू में होता है, सब पाकिस्तानी होते हैं, मेजॉरिटी पाकिस्तानी हैं जी, बिल्कुल। यहाँ बेसिकली ये मस्जिद बनाई है शिफ्ट वर्कर्स के लिए, जो शिफ्ट चेंजओवर होती है उसकी वजह से, क्योंकि ये रास अबू फंतास पावर प्लांट है इसके पास है, तो उनकी स्पेशल परमिशन ली हुई है कि शिफ्ट चेंजओवर के बाद जो लोग हैं वो इसे कर लें, यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। हाँ जी, आ गए इस वक्त, तो अभी हम पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं। देखिए
ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ईद का दिन ख़त्म। ईद तो वही पाकिस्तान में ही होती है असली, अपनों के साथ सारे रिश्तेदार होते हैं, अगर एक के घर आना जाना, दूसरा आएगा तीसरा आएगा। तो ये है ईद। नॉर्मल डेज में इतना रश होता है कि यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। आप देखिए दिक्कत उनका गाड़ियाँ हैं, वर्ल्ड कप के लिए पहला स्टेडियम है जो रेडी हो गया है। इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इस दिन फर्स्ट मैच था इसमें, कतर भी आए हुए थे उसमें। वो अभी बाकी स्टेडियम से वो तैयार होंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में होना है उसके लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिग्नल पे खड़ा हुआ था तो उधर आके किसी ने गेट नॉक किया, तो मैंने देखा तो वो कोई मजदूर टाइप, आज ईद का दिन है तो चावल थोड़े से पकड़े हुए थे, तो इस तरह खड़ा हुआ था, कह रहे मुझे आगे जाना, तो मैंने कहा आ जाए बैठ जाए फिर ड्रॉप कर दूँ, तो ड्रॉप किया। तो उसके बाद अंदर आने के बाद बैठे हैं, तो वो बांग्लादेश से था उनका ताल्लुक, तो उनको मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद फिर मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है, बहुत ही कम सैलरी में वो काम कर रहे थे, तो वो जो डिस्कशन हुई आप सुनिए। नेक्स्ट उनको ड्रॉप कर दिया करके मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए उनके साथ डिस्कशन हुई है, 600 रियाल में वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं 4 साल, बांग्लादेशी भी 13,000-14,000 बनते हैं, 100 रियाल में वो यहाँ पे गुजारा करते हैं महीने का, 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं, अभी भी 10 किलोमीटर 12 पैदल चल के गए थे वो, तो मैं वापसी भी मिल के उनको ड्रॉप कर दिया मैंने अपने कैंप से, जिन लेबर कैंप है उनका इंडस्ट्रियल एरिया में, डिस्कशन में लगा रहा हूँ उधर से। ठीक है भाई, आ गया नमाज पढ़ के, बस काम ख़त्म हो गया। ये आप देखें सन्नाटा, यहाँ पे सन्नाटा, सब गाड़ियाँ प्लेस अपनी जगह पे, पार्किंग की स्पेस भी नहीं है, सब यहीं पे खड़े हैं। ये ईद है, ईद में आपको कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा मेरे अलावा। और आप देखें बैक साइड में कुछ कहीं आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। तो ये ईद है, तो ठीक है जी, पढ़ के आ गए नमाज, हम वापस बस घर जा रहे हैं। ये आ गए देख लें, ये ईद है, सब गाड़ियाँ अपनी जगह पे खड़ी हैं, कहीं आपको कुछ बच्चे वगैरह भी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। एक तो इसकी काफ़ी वजूहतें, एक तो खैर यहाँ है इस तरह, दूसरा गर्मी की भी वजह है, गर्मी भी काफ़ी बढ़ स्टार्ट हो गई, 45 के करीब हीट इंडेक्स होगा आई थिंक। चलें जी ठीक है, मुझे तो आज इस चीज़ की खुशी है, चलें एक बंदे को मैंने आगे ड्रॉप किया, तो ठीक है दोस्तों, ओके अल्लाह हाफिज़।